हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। सूर्या के रिव्यू में आपका स्वागत है। और जैसा कि देख पा रहे हो सामने जो गाड़ी खड़ी है यह है अशोक लेलैंड मित्र। और आपको बता दूं कि यह गाड़ी विशेष रूप से स्कूल बस के लिए बनाया गया है। और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें दो मॉडल आपको देखने को मिल जाएगी, 3700 mm और 4270 mm। जिस मॉडल का मैं वीडियो बना रहा हूँ यह है 4270 mm की। आज डिटेल में पूरा बात करेंगे इस गाड़ी के बारे में और क्या क्या चीज़ें हैं सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए स्कूल बस के लिए सूटेबल है या नहीं है, सारा चीज़ देखेंगे इस गाड़ी में। और यह जो है दोस्तों अशोक लेलैंड का एक ऑप्शन है जो कि बस के लिए है। यहाँ पर आपको बस का यहाँ पर स्टिकर भी देखने को मिल जाएगा जिसमें स्कूल बस का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा एक स्टिकर। तो चलते हैं इस गाड़ी का डिटेल में रिव्यू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं दिखा दूँ कि टॉप में आपको यहाँ पर दो इंडिकेटर प्लेसमेंट दिख जाएगी। तो काफ़ी बड़ी जो गाड़ी है तो इंडिकेटर बनता है सामने से भी, और क्योंकि बस टर्न होती रहती है तो समझ में आए कि किधर जा रही है। एरा वाइपर की सेटअप, वाइपर का सेटअप नॉर्मल सा है, ठीक है। और सेंटर में नज़र डालें तो यहाँ पर आपको अशोक लेलैंड का यहाँ पर सिल्वर फिनिश में नाम देखने को मिल जाएगा, साथ में सेंटर में लोगो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और मेन लाइट और साथ में यहाँ पर इंडिकेटर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, और ग्रिल वगैरह यहाँ पर देखने को मिल जाएगा साथ में। एक बार मैं आपको ORVM चेक करवा दूँ। दोस्तों ये ORVM है, काफ़ी बड़ी ORVM है जैसा ये गाड़ी है जितनी बड़ी। साथ में एक सेंटर में यहाँ मिलेगा अंदर के साइड से, वो भी दिख नहीं रहा, आपको दिखाता हूँ मैं अभी, शायद विजिबल हो रही होगी अंदर में वो एक ORVM मिलेगी और साथ में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। सारे एज डिस्प्ले जैसे होते हैं सेम वैसे इसकी कर्व थोड़ा ग्लास है ताकि पूरा व्यू वगैरह 360 का व्यू देखने को मिल जाए। ओवरऑल अगर इसकी गाड़ी की बात करें दोस्तों तो यह जो गाड़ी है ग्रोस वेट की बात करें तो 7200 kg की इसकी ग्रोस वेट है। साथ में इसकी व्हीलबेस जो आने वाली है 4270 mm की व्हीलबेस आने वाली है। ओवरऑल अगर इसकी डायमेंशन की बात करें तो 7970x220x2630 की इसकी डायमेंशन मिलने वाली है आपको। साथ में ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात करें तो 209 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिलेगी। और एक बार में आप आइडिया लगा सकते हैं साइड व्यू से बस कितनी बड़ी है। स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाने का पूरा कोशिश करूँगा वीडियो में जितनी भी चीज़ें हैं बस में। और यहाँ पर ग्लास एरिया दिया हुआ है, ये इमरजेंसी डोर या फिर एग्जिट नहीं है लेकिन कुछ यूज आ सकता है। और यहाँ पर आपको एयर क्लीनर का यहाँ पर कंपार्टमेंट देखने को मिल जाएगा, साथ में यहाँ पर टर्नर इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा और एक गार्ड रेल आपको देखने को मिल जाएगा जो कि ग्लास में लगी हुई है। दोनों साइड बस के साइड लगा हुआ है, इमरजेंसी एग्जिट है वहाँ पर छोड़ के सभी साइड लगा हुआ है, तो एक सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से बहुत अच्छा है। साथ में यहाँ पर स्पेयर व्हील का यहाँ पर कंपार्टमेंट देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर साथ में इंडिकेटर फिर से। और एक बार मैं आपको दिखा दूँ ग्लास में जो रिल लगा हुआ है, तीन आपको गार्ड रिल देखने को मिल जाएगा। और आजकल की बस जितनी भी स्कूल बस आती है दोस्तों काफ़ी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए और बहुत एक सूटेबल बस बनाया जाता है। अगर इसमें सेफ्टी की बात करें तो इसमें 100% रोल ओवर कंप्लेंट इसमें दिया हुआ है जो कि स्ट्रक्चर इसका। और पीछे से व्यू इस टाइप से कुछ देखने को मिल जाता है और पीछे की जो एक ग्लास एरिया है दोस्तों ये इमरजेंसी एग्जिट में भी काम आएगी। यहाँ पर कुछ ऐसा राड वगैरह नहीं लगा हुआ है या फिर कोई भी गार्ड रेल इधर नहीं लगा हुआ है तो इमरजेंसी एग्जिट में काम आएगी, इसको कोई भी ऐसा सिचुएशन में इसको तोड़कर बाहर आ सकते हैं। साथ में यहाँ पर अशोक लेलैंड के नाम और साथ में लोगो मिलेगा और टेलाइट वगैरह का ऑप्शन यहाँ देखने को मिल जाएगा। और पीछे आपको मैं दिखा दूं तो यहाँ पर मित्र का आपको यहाँ पर बैच देखने को मिल जाएगा और साथ में यहाँ पे दोस्तों सेंसर भी प्रोवाइड है, आपको 4 सेंसर मिलेंगे बस में। और ये रहा सेकेंड साइड से इसका व्यू, सेम व्यू है, कुछ इसमें डिफरेंट नहीं है। और यहाँ पर फिर से इंडिकेटर और यहाँ पर ब्रेक टू ओपन लिखा हुआ है, इमरजेंसी टाइम में इसको ब्रेक करके ओपन कर सकते हैं। इसकी दोस्तों बस की जो है सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इम्प्रूव इसकी जो स्टेबिलिटी है उसको इम्प्रूव किया गया है। साथ में यहाँ फ्यूल फ्लिप है, यहाँ पर 90 लीटर की यहाँ पर आपको कैपेसिटी मिलेगी टैंक की। इंडिकेटर भी बगल में देखने को मिलेगा, साथ में यहाँ पर यूरिया टैंक है और यहाँ पर बैटरी बॉक्स देखने को मिल जाएगा। काफ़ी बड़ी बस है तो सभी जगह अलग अलग कंपार्टमेंट बना हुआ है। साथ में यहाँ पर दो इंडिकेटर का प्लेसमेंट,
और एग्ज़िट इमरजेंसी यहाँ पर जो है दोस्तों बता दूँ अभी कि टोटल दो इमरजेंसी एग्ज़िट डोर आपको देखने को मिल जाएगा इसमें। और इसकी टायर एक बार अपन देख लें तो दोस्तों इसकी टायर प्रोफाइल जैसा कि देख पा रहे होंगे आप, टोटल फ्रंट में दो टायर और रियर में फोर और एक स्पेयर में आपको टायर देखने को मिल जाएगा। अगर इसकी बात करें दोस्तों सस्पेंशन की तो पैराबोलिक सस्पेंशन विद डबल एक्टिंग सॉक्स एग्जोबर आपको देखने को मिल जाएगी। जो इसकी सस्पेंशन है तो काफ़ी ड्यूरेबल और काफ़ी अच्छा सस्पेंशन यूज किया गया है इसमें। और यहाँ से आप की इंसर्ट करके और साथ में डोर यहाँ पर खोल सकते हैं, बस अनलॉक और लॉक हो सकती है। एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि बस है इस हिसाब से इसमें कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं रखा गया है। ये रहा मेन गेट, इसमें प्लास्टिक वगैरह इतनी ज़्यादा इम्प्रूव या फिर लग्जरी सेगमेंट टाइप से नहीं है, इससे लॉक अनलॉक हो जाएगा आपका, इससे गेट खोल सकेंगे। मतलब थोड़ा सा ऐसा लगता है फिट एंड फिनिश एकदम काम चलाऊ सा लग रहा है, लेकिन अच्छा है। साथ में आप पैर रख के ऊपर जा सकते हैं क्योंकि काफ़ी हाइटेड में है बस। और ये रहा केबिन जो बस साइड की आपको दिखा रहा हूँ मैं। और यहाँ पर हैंड ब्रेक का आपको ऑप्शन मिलेगा ड्राइवर सीट जस्ट बगल में। और ये रहा दोस्तों केबिन, अभी बस के ऊपर चलेंगे और उधर से भी पूरा व्यू देखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीज़ इसमें आपको देखने को मिल जाता है। इसमें जो ब्रेक है दोस्तों हाइड्रोलिक विथ वैक्यूम असिस्ट इसमें ब्रेक देखने को मिल जाएगा गाड़ी में, तो एक अच्छा फीचर्स है। और काफ़ी अच्छा ये जो गेट है दोस्तों इसको पुश करना है और ये स्लाइड हो जाएगी, तो काफ़ी स्मूथली ये स्लाइड होती है, देखकर भी अच्छा लगता है और यूज करके भी अच्छा लगता है। और ये रहा दोस्तों अशोक लेलैंड मित्र का सामने का डैशबोर्ड, और साथ में इसमें बहुत सारा कंट्रोल भी आपको देखने को मिल जाएगा। स्टीयरिंग में आपको लोगो मिलेगी देखने को। और यहाँ डायल वगैरह है जो क्लस्टर है, आरपीएम प्लस इसमें स्पीड वगैरह मेंशन होगा। और बहुत सारे ऐसे स्विचेस हैं जिसको कि आप यूज कर सकते हैं। फायर डिटेक्शन की इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, अगर बस में किसी तरह की आग लग जाती है तो उसका कंडीशन में डिटेक्ट कर लेगी सेंसर, आपको पता चल जाएगा, जिससे आप जल्दी से जल्दी उसका मतलब उसके बारे में कुछ भी या फिर आप सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उसको बुझा पाएंगे। और ये रहा मित्र की चाबी जो कि दो की नॉर्मल से आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें कुछ ऐसा रिमोट वगैरह नहीं है। और ये ड्राइवर साइड का हैंडल, साथ में दोस्तों यहाँ पर चार्ट देखने को मिलेगी। और ये रहा एज डिस्प्ले, यहाँ पर बैठने के बाद पूरा व्यू दिखता है आपका साइड का, दोनों साइड का लेफ्ट राइट का पूरा व्यू दिखता है और काफ़ी क्लियर व्यू आता है। सामने जो चार्ट लगी हुई है इसमें बस कभी खड़ी हो या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन देना है आपको कि कौन सा बस नंबर है ऐसा, तो आप देख सकते हैं। सामने यहाँ लाइट का आपको केबिन लाइट देखने को मिल जाएगा और बहुत सारे स्विचेस यहाँ पर। और ये रहा दोस्तों गियर। और यहाँ पर जो कंपार्टमेंट है पूरा इंजन नीचे फिट है। अगर इसकी इंजन की बात करें दोस्तों तो इसमें ZD30DDI इसमें कॉमन रेल डीजल इंजन लगा हुआ है जो कि 2953 सीसी का है और ऑन पेपर जो दिखाया गया है। और इसमें 140 एचपी 2750 आरपीएम में और 360 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको देखने को मिलेगा 1350 से 2750 आरपीएम पे। और इसकी गियर की बात करें तो 5 स्पीड और ऑन रिवर्स के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको फ़ैन देखने को मिल जाएगा ताकि ड्राइवर भाई को गर्मी ना लगे और आसानी से वो ड्राइव कर पाए। और यहाँ पर मेडिकल किट देखने को मिल जाएगी आपको, ये इनबिल्ट आती है बस में, लग के आती है। साथ में यहाँ फायर के लिए आपको आग बुझाने के लिए यहाँ सुविधा दी हुई है। और जैसा कि बताया फायर डिटेक्शन इसमें सेंसर भी लगा हुआ है, तो आपको आसानी से दोनों काम यहाँ पर हो जाएगा, पता भी चल जाएगा और बुझ भी जाएगा। ये बाहर से इमरजेंसी एग्ज़िट और अंदर से आपको दिखा दूँ एक बार मैं, यहाँ से ब्रेक करके आप कोई भी इमरजेंसी टाइम में बाहर जाएंगे। और ये पूरा गार्डरी लगा हुआ है उसके बगल से।
और एक बोर्ड यहाँ पर दिया हुआ है दोस्तों, इसमें क्या है डेली की इन्फॉर्मेशन जो भी रहेगा वो आप लिख सकते हैं, टीचर लोग बच्चे को बता सकते हैं कि आज क्या करना है क्या नहीं करना है और क्या क्या आज का है, नेक्स्ट छुट्टी वगैरह कब है, ऐसा सारा चीज़ मतलब बता सकते हैं। साथ में यहाँ पर स्टॉप का बटन दिया हुआ है, गाड़ी जब जब रुकनी हो तो स्टॉप का बटन दबाएँ तो ड्राइवर को पता चल जाएगा, वहाँ पर आपको आवाज़ आएगी तो बस रोक देंगे, बीप की आवाज़ आएगी। और ये सेफ्टी के पर्पस लगाया गया है ताकि यहाँ पर जो बैठे हो सेफ्टी से बैठे हो, सामने गिरे नहीं। और ओवरऑल दोस्तों ये रहा बस का सीट, एक साइड तीन लोग बैठ सकते हैं और एक साइड दो लोग बैठ सकते हैं, तो दो बच्चे और तीन बच्चे के हिसाब से इसमें व्यवस्था दी हुई है। और इसमें जितनी भी जैसे हैंडल वगैरह दिया हुआ है, जैसे बैठे इसको पकड़ के बैठे दिक्कत ना हो चलती बस में, और साथ में यहाँ पर हैंडल दिया हुआ है उसको भी पकड़ सकते हैं, साथ में यहाँ पर हैंडल में हुक दिया हुआ है, पानी बोतल या फिर कुछ भी चीज़ इसमें टिफ़िन वगैरह हुक में उसमें लटका सकते हैं, टांग सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एक फीचर्स वगैरह है ध्यान में रखते हुए, बच्चे लोगों को ध्यान में रखते हुए बस के सीट को भी बनाया गया है और सारे सीटें कंफर्टेबल है। साथ में यहाँ पर बैग वगैरह रख सकते हैं, ये आपका ब्रेक करने के लिए, और यहाँ पर बैग वगैरह दोनों साइड आप रख सकते हैं, इस साइड भी और इस साइड भी। और यहाँ पर जैसे बाहर से दिखाया दोस्तों ब्रेक टू ओपन, और पीछे भी एक आपको मिलेगा यहाँ पर स्टॉप के लिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट बच्चे लोग बैठे हैं काफ़ी, अगर यहाँ पर पब्लिक हैं बच्चे लोग हैं तो डायरेक्ट सामने आप बोल नहीं सकते ड्राइवर भाई को, तो डायरेक्ट स्टॉप का बटन दबाइए रोकेगा गाड़ी को। तो ये रहा दोस्तों अशोक लीलैंड मित्र का, इस गाड़ी का रेट है 23 लाख रुपये, 3 लाख का डाउन पेमेंट में आसानी से निकल जाएगा, और इसकी 3 साल और 3 लाख किलोमीटर की इसकी वारंटी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।